एंटी करप्शन का अधिकारी बताकर लॉन्च पर मारा छापा। धमकाकर पैसा ऐंठने के आरोप में आरोपी हुए गिरफ्तार। मामला मलाड वेस्ट के अक्सा में स्थित एक लॉन्च का है, जहां पर एंटी करप्शन अधिकारी ने छापा मारा, लेकिन अधिकारी असली नहीं बल्कि पुलिस की वेश में चोर निकले। मंगलवार की शाम मालवनी पुलिस स्टेशन को फोन आया कि हमारे लॉन्च में एक पुलिस और दो महिला आई है और अपने आप को एंटी करप्शन का अधिकारी बताते हुए कहा कि हम तलाशी लेने आए हैं। लॉन्च के मालिक को इस पर शक हुआ, उसने मालवनी पुलिस स्टेशन में फोन किया। पुलिस तत्काल लॉन्च पर पहुंची तो ये तीनों वहां सभी को परेशान कर रहे थे। पुलिस तुरंत उन तीनों को स्टेशन लेकर आई, जहां वे जांच में फर्जी पाए गए। मालवनी पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। दोनों महिलाओं को पुलिस ने छोड़कर कोर्ट में आने के लिए कहा है। उसमें एक जेंट्स है जिसको अरेस्ट किया गया है, वो दो जो लेडीज है, वो लेडीज होने के कारण उनको 41 का नोटिस दिया था, वो कोर्ट में एंटी सेपरेटरी बेल के लिए गया है। अब है कि तीनों ने रूम में रहे कपल्स और लॉन्च के मालिक को धमकाकर पैसे मांगने की कोशिश की। धमकाकर पैसे मांगने वाले तीनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक पुरुष और दो महिला शामिल है। और जो रूम में कपल्स उतरे हुए थे, उनसे उनको डरा धमका के उनसे 5,000 रुपये का डिमांड किया और होटल वाले से भी उन्होंने पैसों का डिमांड किया था। एक महिला और एक पुरुष पुणे के रहने वाले हैं, जबकि एक महिला मालवनी की ही रहने वाली है। सभी आरोपी एनजीओ से जुड़े हुए हैं। आरोपियों के नाम मनोज कुमार सिंह, अनीता वर्मा और काजिया खान बताया जा रहा है। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुषधारी यादव की रिपोर्ट। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।